नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले सैंडिस्क का पेन ड्राइव जो कि 32 GB का है, ड्यूअल है। इसके अंदर USB 3.0 प्लस OTG है, मतलब कि इसको आप एक डायरेक्ट USB की तरह कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल को OTG की तरह डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो काफ़ी यूज़ है, फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने 469 में ख़रीदी किया है। चलो इसको मैं फोड़ के आपको दिखाता हूँ और मतलब कि अनबॉक्सिंग करते किस तरह से है और लगा के भी देखेंगे अपने मोबाइल में। तो इसके साथ आया है 469 रुपीज़ इसका प्राइस है और हमें ये क्या बोलते हैं 397 में हमें ये मिला है। और क्या क्या फीचर्स दे रखे इसके ऊपर हम थोड़ा पढ़ते हैं। 5 साल की तो वारंटी इसका पहली बात तो मिलती है सैंडिस्क की तरफ से। उसके बाद में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। इसका नाम है ड्यूल ड्राइव M3.0। इन्होंने थोड़ा सा जो SSD जो होती है उसकी तरह सा नाम रखने की इन्होंने कोशिश की है। तो चलो देखते हैं अभी और इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर सैंडिस्क मेमोरी जोन ऐप प्रीलोडेड है। इसके अंदर इंस्टॉल गाइड इनसाइड, मतलब इसी के अंदर सारी चीज़ें अब जब कंप्यूटर को इसको लगाएंगे तब ये दिखा देगा। और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 150 MB पर सेकेंड की है। इसकी जो स्पीड है 150 MB पर सेकेंड है कॉपीराइट और मतलब कॉपी और पेस्ट की। तो और इसकी बात इजी मूव फॉर यूजिंग मेमोरी जोन ऐप, सी फोटो वीडियो, पॉपुलर चैट ऐप, यानी कि इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेड फॉर मोबाइल, मतलब सब कुछ दे रखा है मोबाइल के लिए दे रखा है आसानी से यूज़ कर सके। इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल दे रखा है सैंडिस्क की तरफ से क्विक स्टार्ट गाइड नाम से। तो इसके अंदर दे रखा है सैंडिस्क मेमोरी जोन APK, मतलब कि चलो ये मोबाइल के लिए, इसके अंदर जो APK है मोबाइल के लिए है, सैंडिस्क मेमोरी जोन APK नाम से दे रखा है। आप इसमें मोबाइल में ही इसको इंस्टॉल करना है, मतलब इसी के अंदर ही उसको बाद में आपको इंस्टॉल करना है। तो यूज एंड फील वाइज देखिए, ब्रांडिंग बढ़िया से कर रखी है सैंडिस्क 32 GB करके और ये दोनों साइड से यूज़ होता है, यानी कि इसको और हम आगे करते हैं किसी भी साइड में, दोनों साइड में देखो इस साइड में हम इसको आगे ढकेलते हैं तो ये जाएगा मोबाइल के अंदर। Micro USB है, जो Micro USB जो टाइप सी है वो वाला नहीं है, टाइप बी वाला बोल सकते हैं हम इसको। तो इसको हम मोबाइल में लगा सकते हैं किसी भी मोबाइल में, लेकिन ये टाइप सी नहीं है, याद रखना है आपको एक बात। और उसके बाद में इस साइड से मोबाइल में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, OTG कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम इसको दूसरी साइड में अगर स्लाइड करते हैं तो ये सीधा कंप्यूटर में आपके PC में या कहीं भी जहाँ पे USB लगता है उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आपको OTG यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से कनेक्ट करके, इसको डायरेक्ट आप इस साइड में लगा दो तो कंप्यूटर में, इस साइड लगा दो तो मोबाइल में। तो अभी हम मोबाइल में कनेक्ट करके देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट होता है, क्या शो करता है। मोबाइल में कनेक्ट हो, लेकिन डायरेक्ट कनेक्ट होते ही जो आपको ये शो करना स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आपको पता होगा सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको मोबाइल में, और एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको OTG कनेक्शन वहाँ पे दिखाई देगा, उसको ऑन करना है। तो हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के तुरंत बाद ये आपको शो हो जाएगा कि आपको कौन से फाइल मैनेजर से इसको ओपन करना है। तो हमने ओपन कर दिया फाइल मैनेजर से, और यहाँ पे 13.7 GB यहाँ पे दिखाने लगा है जो कि अवेलेबल है। देखिए आपको शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फोकस हो या नहीं है मुझे पता नहीं। तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पहले से प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप इसको